आने वाला जो अब अगस्त हो गया, यानी कि 8वां महीना शुरू हो गया, तो 8 5 महीने 12 हो जाएंगे, यानी कि 5 महीने और जोड़े तो दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद फरवरी, 7 महीने हैं मोदी जी के पास, ठीक है ना। और इंडिया इज एट द ओके कस्प, क्योंकि इनका क्लेम ये है बीजेपी का, हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, और मैं उनको बड़ा सम्मान देता हूँ, बड़े जबरदस्त उनकी पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है बड़ी जबरदस्त है। तो उनका ये क्लेम है कि अगर हम ये चुनाव जीत गए 2023-24 वाला, अगर जी ये हम जीते, तो फिर आने वाले 50 साल तक बीजेपी को कोई भी चैलेंज नहीं होगा, ओ क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज डेसिमेट हो जाएंगी। और उसके बाद एक समझ लीजिए एक छत्र राज होगा, मतलब ऐसा नहीं है देयर विल बी अपोजिशन, बहुत बहुत बड़ा मिक्स अपोजिशन होगा, बड़ा वीक अपोजिशन होगा। अच्छा, उसमें दिक्कत यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो चैलेंज करने वाला कोई फेस नहीं जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई हो, और तो मतलब कि ही हैज टेकन द बार टू अ लेवल कि वहां कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, आप समझ रहे हैं। ओके और दूसरी चीज यह है कि इंडिया भी जो है ना, इट हैज बिकम टायर्ड ऑफ 700 800 साल से जो हमें एक रिग्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा, तो देयर इज एन एस्पिरेशन ऑफ इंडिया टू क्लेम इट्स पोजिशन बैक, एस्पिरेशनल इंडिया है ये, ठीक है ना। ये इंडिया चाहता है कि हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो, हमें जो दुनिया ने आके कहा कि तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं पता, तुम्हें रिलीजन नहीं पता, तुम ऐसे लोग हो, तुम वैसे लोग हो, तुम्हें कॉलेज करना, सब ने जो जो नहीं लिखना था हमारे बारे में लिखा। सो दिस ओके सोसाइटी फॉर 700 ईयर्स वॉज टेकन होस्टेज टू फॉरेन आइडियोलॉजीज। ओके अब ये अपनी टर्म पे, अपने दम पे, अपनी बिलीफ सिस्टम्स के साथ, अपने एंशियंट वैल्यूज के साथ, अपनी हेरिटेज ट्रेडिशन के साथ, नाउ दे आर जिसे हम कहते हैं ताल ठोक रहे हैं दुनिया में कि हम आ गए हैं और हमें अब हमारी ओके जगह चाहिए। एंड मोदी जी इज द टूल, मोदी जी उस एस्पिरेशन का फेस है, मोदी जी उस एस्पिरेशन का करियर है। तो अब मोदी जी के नाम पे आप जो है, देखिए भारत में ना एक समय जातिवाद, जाति में भारत को बांटा गया, चाहे वो रिलीजन भी रहा हो, हमारे ओके यहाँ अगर मुसलमान भी है तो उसकी भी जाति है भाई, तो जाति जो है वो इंडिया की एक विशिष्टता है। लेकिन जातिवादिता को अगर कोई तोड़ता है तो वो है राष्ट्रवादिता। तो ये जो राष्ट्रीयता है ना, जिसको कई बार लोग नेशनलिज्म से कंफ्यूज करते हैं, ये राष्ट्रीयता नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म एक होमोजेनिटी का नाम है कि जैसे सारे, अगर जैसे पश्तून एक रिलीजन और एक नेशन है, जी बिहार एक नेशन है, बंगाल एक नेशन है, इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कई नेशंस है, ठीक है ना। तो ये हमारी एक सिविलाइजेशनल एस्पिरेशन है फकर भाई, कि हम दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम दुनिया को प्यार करना चाहते हैं, और दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि भाई अब तो मतलब ठहरो जरा और हमें भी पहचानो कि हमारा समय आ गया है, जबरदस्त। हमने दुनिया को कुछ दिया और हम और देने का गट सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अभी हम बात करें जिस तरीके से अभी हमने शायद उस पर शो भी किया था कि मोदी साहब की एक वीडियो आई थी और वो कह रहे थे कि मैं नंबर 3 पे लेके आऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है 4th टर्म में। और बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये 4th टर्म में तो है लेकिन ये कि वो बहुत पहले हो जाएगा, शायद 2027 बहुत दूर है, उससे पहले पहले ये जो थर्ड इकोनॉमी है वर्ल्ड की और बाकी चीजें, तो इससे पहली हो जाएगी। तो अब लोग कितने मोटिवेटेड हैं उनके हवाले से, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट टर्म पे आ गए, यानी 4th टाइम आ गए, तो उसके बाद 50 साल तक यही होंगे। देखिए थर्ड टाइम होगा इनका, 2014 में आया, दो सॉरी हजार थर्ड चौदह थर्ड से 2014 से 2019 पहला, 2019 से 2023 दूसरा, बिल्कुल और ये थर्ड दूसरा। हो। देखिए फकर भाई, मैं आपसे दिल की बात बताऊं, एक आम हिंदुस्तानी, ठीक, आम हिंदुस्तानी, चाहे उसका कोई भी धर्म, वो जो इस मिट्टी का सुसन ऑफ सॉयल है, जिसमें हम तो आप लोग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मगर एक बात उसको हटा भी दे, जी उसकी तमन्ना किसी को दबाने की नहीं है, उसकी तमन्ना किसी के ऊपर चढ़ करके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, मगर जरूर उसकी एक तमन्ना तो है, और वो ये तमन्ना है कि भाई हम दुनिया में सिविलाइजेशन को लाने वाले कुछ गिने चुने सिविलाइजेशन में से एक थे, और हमारी विशेषता यह है कि हमने अपनी सिविलाइजेशन को खत्म नहीं होने दिया, हम इसको प्रिजर्व करके रखे, बस यही हमारी विशेषता है कि हमने इसको प्रिजर्व किया, हम कंटिन्यूड हैं, और हमारी सिविलाइजेशन ने दुनिया को साइंस दिया, टेक्नोलॉजी यूरोप ने दी,
जो वेस्ट ने दिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन दुनिया को है एरोप्लेन दे देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, जिसके लिए हम उनके मैं तो बहुत उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं वेस्ट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो भाई कैसे मैं उनके लिए किसी तरीके का अगर मैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और रखूं तो ठीक नहीं। हम आप बात भी कर रहे हैं, देखिए इंटरनेट तो ये वेस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वेस्ट ने दुनिया को टेक्नोलॉजी दी और उसके लिए हम वेस्ट का पूरा सम्मान करते हैं और वेस्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है। लेकिन इंडिया ने दुनिया को साइंस दिया है, ये तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा। दुनिया को मैथमेटिक्स का, न्यूमेरल्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये फिलोसफी, योगा इट्सेल्फ इज अ बिग साइंस। हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी और आप जो खा रहे हो वो बन रहे हो, हर चीज को इतनी सलीके से बता देना। तो वी इंडियंस हैड दिस फीलिंग। अगर आप अलबरूनी की किताब लिख पढ़े हैं तो अलबरूनी एक जगह लिखता है कि इंडियंस की एक वजह ये थी कि बाहर के लोग इनसे नफरत करते थे कि ये कुछ ज्यादा ही प्राउड लोग थे और ये सोचते थे कि इनके जैसा कोई देश नहीं है, इनके जैसा कुछ राइज कोई किंग नहीं है, इनके जैसा कोई जो है वो धर्मा नहीं है। इसलिए भी कई बार जो बाहर वाले आक्रमण करने आए उन्होंने कहा कि इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो उसने लिखा है कि सम ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स हु केम दे रिड्यूस देम टू द डस्ट ऑफ एटम, इतना मार काट मचाया। तो वो भी एक फीलिंग था, बट जो इंडियंस थे उनको ये पता था कि भाई वी हैव समथिंग स्पेशल और वो स्पेशल इंक्लूसिव है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो सबका है, मानवता का है। बिल्कुल, दैट इज व्हाट हमको लग रहा है कि अब तो मौका दो, 800 साल हमको दबा लिए, मार लिए, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके आया, कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी लेके आया, कोई सोशल आइडियोलॉजी लेके आया, कोई मतलब हर तरह की आइडियोलॉजी आई। अब हम कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी को वो भी एक बार मौका दो। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि हम सब एक इंसान है, एक धरती पे रह सकते हो, सब साथ में रह सकते हैं, हंसी खुशी से रह सकते हैं बिना किसी को चेंज किए हुए, जिसको जिसमें एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, आपको जिसमें खुशी मिलती है उसके थ्रू आपको सत्य की प्राप्ति हो, ये हमारा मानना है। और हम इसी के साथ दुनिया के साथ चलेंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अफ्रीकन हो तो भी हमारे दिल के करीब है, एशियन है तो भी हमारे दिल के करीब है, कोई अगर यूरोपियन है तो भी हमारे दिल के करीब है, कोई स्पेशल नहीं और कोई अंडर प्रिविलेज नहीं, यही हमारी फिलॉसफी है। और हमको लगता है कि वर्ल्ड शुड गिव अस अ चांस जब हम दुनिया को दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और वो ये कि जिस तरीके से भी हरियाणा के हवाले से खबरें आ रही हैं, अभी भी मैं जब देख रहा था तो बहुत सारी खबरें हैं कि बहुत हालात खराब हुए और ये सारा कुछ हुआ। अभी मणिपुर भी शायद चल रहा है या वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ। ये यहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट होना कितना नुकसानदेह है मोदी साहब की गवर्नमेंट के लिए, फिर इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि ये किसी एक का इंडिया नहीं है, बहुत सारे कम्युनिटीज का इंडिया। और बिल्कुल ये मैं मानता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट की ये बात है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत अलग रिलीजन्स के करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। नहीं देखिये, मैं इसको ना ये चीज बहुत सारे का इंडिया है वो ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ, इंडिया एक डाइवर्स सिचुएशन, बिल्कुल, लेकिन उस डाइवर्सिटी को लेके चलने की व्यवस्था सिर्फ सनातनी फिलॉसफी में है, जहां वो कह रहा है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। जब ये हटा देंगे आप और ये कहेंगे कि बस एक सत है बाकी गलत है, तो वो फिर खत्म हो जाएगा। तो इंडिया को लेके चलने की जो व्यवस्था है वो सिर्फ सनातनी व्यवस्था में है और किसी में नहीं है, क्योंकि इंडिया के दो टुकड़े हुए भी और आप देख सकते हैं कि वहां पे बाकी कोई फिलॉसफी पल नहीं पाई या वो एग्जिस्ट नहीं कर पाई। तो हम जो हम कहते हैं कि ये जो हमारा सबका इंडिया है वो यही है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे लोग हैं जिसको जिससे प्यार हो जाए। बिल्कुल सही। ये कहने का ये मतलब नहीं होता कि ये किसी ने यहाँ का कोई नेटिव नहीं है, कोई इंडिजीनियस नहीं है, ये एक अलग चीज है। जैसे अरब्स हैं, अब जैसे मैं कतर में जाके रह लो हूँ, कतर के लोगों ने मुझे अपना देश में बुलाया, अपना सम्मान दिया कि आप बिजनेस कीजिए, सिटीजनशिप भले ना दे मगर वो अपने इकोनॉमी को, अपने रिसोर्स को एक्सेस देते हैं। मैं वहां रहता हूँ, मगर अब मैं ये कतराई मतरियों को नहीं होगा, सो किसी का रीजन ऑफ द वो रहेंगे। अब जो मैं बात ये कह रहा था कि जो मणिपुर में हुआ और जो नूह में हुआ, देखिए फकर भाई, अगर हम आप दोनों इतने मैच्योर हैं, जहां 140 करोड़ लोग रहेंगे,
होती रहेंगी चीजें, ये फ्रांस में भी हो रहा है, ये और जगह भी हो रहा है, ये चीजें होंगी। बट मैं फिर कहता हूं कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों में भाईचारा है, वो एक साथ रहते हैं, एक रोटी में, एक प्लेट में रोटी खाते हैं। इधर उधर अगर हो गया तो फिर आप समझते हैं इतने डाइवर्स मुल्क को लेके चलना, इतनी डाइवर्स आइडियोलॉजीज को लेके चलना आसान नहीं है। और फिर कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जो मुकाबले आंतरिक होंगी, मैं उनको बाहर बाहरी शक्तियां नहीं कह रहा कि सब बाहर वाली होंगी, आंतरिक भी रहती हैं। पॉलिटिकल आपको माइलेज लेना होता है, इस तरीके के सिचुएशन करा सकते हैं। और हमने ये देखा कि ये ऐसा एक फिनोमिना है कि इससे तो फ्रांस भी नहीं बचा, अमेरिका नहीं बचा, कनाडा नहीं बचा, हम लोग क्या ही बचेंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल वी इंडियंस लिव इन हार्मनी, कोई वो ऐसी एक्रमनी नहीं है हमारे यहाँ एक दूसरे को लेकर के। और धीरे 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 वक्त का और जब पहिया घूमेगा तो ये और ज्यादा ही सिंक्रोनस होगा। तो थोड़ी बहुत इधर उधर अप्स एंड डाउन चलेंगी, और किसी के भी जीवन का लॉस हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, दुख होगा, क्योंकि किसी का बेटा है वो, किसी का भाई है, किसी के घर का चिराग है। तो कोई भी लॉस ऑफ लाइफ को कंडोन नहीं किया जा सकता, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी कारण हो, सबकी जीवन बहुमूल्य है भाई। मेरी दृष्टि में सबका जीवन बहुमूल्य न हो तो ज्यादा बेहतर है। अब रही बात मणिपुर में आ जाए, देखिए मणिपुर भी जो है ना कॉलोनियल लिगेसी है। यस, हमारे यहाँ पे बहुत सी चीजें कॉलोनियल लिगेसी आई हुई है, जैसे एक अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग आइडेंटिटी दे देना, उनको अलग अलग बताना। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको देखिए कम्युनिटियों से इंडियन बनाने की ओर ले जा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि आप मुसलमान हो लेकिन आप भारतीय भी हो, आप मैथी हो आप भारतीय भी हो, आप कुकी भी हो आप भारतीय भी हो, आप क्रिश्चियन भी हो आप भारतीय भी हो। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेलू में ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 145 करोड़ लोग है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, और अप्स एंड डाउन चलेंगे। फिर भी आई कंडेम एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वायलेंस किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, इससे चीजें सिर्फ बुरी होती हैं। और कोई भी इंसान की जीवन जाए वो अच्छा नहीं है, उसको कोई भी हो मैं कंडोन नहीं कर सकता। लॉस ऑफ लाइफ इज अ, मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी ये बात कि किसी की भी लाइफ जाए और कोई भी कम्युनिटीज अगर आपस में उलझे तो उसका नुकसान उन कम्युनिटीज को तो होता ही है, वो बेशक पाकिस्तान में हो, वो बेशक आपने फ्रांस का जिक्र किया या किसी और दुनिया के मुल्क में, वो हिंदुस्तान में हो, उसका उन कम्युनिटी को तो नुकसान होता है लेकिन एज ए सोसाइटी एज ए होल बहुत लॉस होता है और कंट्री को यकीनन सबसे बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और चीज़ें जब उलझती है तो फिर उसको सुलझने में टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें अगर कोई भी करता है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है या कोई और रिलीजन के लोग हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान, लेकिन आपस में रहना, यही लोग जब वेस्ट में जाते हैं तो इनका आपस में बर्ताव बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे का इंतहाई ख्याल रखते हैं। मुझे नहीं पता कि फिर यहाँ पे आके या वहाँ जाके फिर इनको क्या हो जाता है, मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई, लेकिन जिस तरह वहाँ पे एज ए एजुकेटेड पर्सन बिहेव करते हैं तो मेरे ख्याल में अपने कंट्रीज में भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और किसी के साथ किसी भी, आज मैं बल्कि एक हिंदू लड़के की वीडियो देख रहा था, मुझे हमारे एक हिंदू दोस्त है सिंध के, उन्होंने मुझे ट्विटर पर भेजी हुई थी थोड़ी देर पहले, मैं क्योंकि ट्रेवलिंग में हो तो मैं रास्ते में देख रहा था। मतलब अफसोस होता है कि यार किसी के साथ भी ज्यादती, वो हिंदू धर्म का आदमी हो, वो मुस्लिम का हो, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो या सिख से हो या पारसी हो या ज्यूज हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल में किसी को दबाने से या उनको जिसे कहते हैं आप कहते हैं कि खत्म कर दो, तो मेरे ख्याल में ये नहीं। हाँ, आप अपनी बात करो, जो आप मानने वाले हो जिस चीज को वो मानो, और जो दूसरा मानने वाला है उसको वो कर दे, तो मेरे ख्याल में सोसाइटी बहुत अच्छी बन सकती है। ये मैं पाकिस्तान के लिए भी, जी प्लीज सर प्लीज, मैं, मेरे पास ऐसे वीडियोस आते हैं कि किसी हिंदू को मार दिया, किसी मुसलमान नहीं फॉरवर्ड करता, उसका रीजन जानते क्या है, मैं हिंदू मुसलमान देखते हैं, मैं भारतीय देखता हूँ, उसके मन में उसके भगवान से उसका संबंध पर्सनल है। बेशक बेशक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको गॉड नहीं देता, वो आपको गॉड चुनने की फ्रीडम देता है। जबरदस्त, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हो तो आप इंडियन हो, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आप फिर किसी की भगवान को भी नहीं मान पाओगे। बिल्कुल, इसलिए मेरे लिए सब हिंदुस्तानी है, सब मेरे भाई बहन है, कोई भी किसी भी कारणवश
अगर जा रहा है, उसका जीवन का लॉस हो रहा है, उसकी इकोनॉमिक्स का लॉस हो रहा है, तो मैं इसको हिंदू मुसलमान में नहीं देखना चाहूंगा। मैं दोनों कम्युनिटी से हाथ जोड़ के वो विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई समय आगे बढ़ गया है, आप भी आगे बढ़े, भाईचारे के साथ रहें, आपको जिससे सुकून मिलता है उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें, और हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। आप अरबों से सीख लें, कितने हिंदू रहते हैं वहां, तो कभी कोई अरबियों में और हिंदुओं में टक्कर नहीं हो रहा, वो भी तो मुस्लिम है ना, तो आप हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और टू नेशन थ्योरी अगर होती तो अरब में मुसलमान हिंदू नहीं होते, उन्होंने तो सबसे पहले खत्म कर देना था। बिल्कुल, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि देखिए आप इस्लाम को भी आप समझे, इस्लाम भी एक अच्छा दीन है, क्योंकि अगर आप वेस्ट सेंट्रल एशिया में जाए